तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों। आज का जो वीडियो है काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है और आज इस वीडियो के अंदर हम जो घूमने वाले हैं दीघा। तो काफ़ी कम खर्चे में अगर आप दीघा घूमना चाहते हो, अगर आप वेस्ट बंगाल कोलकाता के आसपास के किसी भी इलाके में से हो, अगर आपको बीच का मज़ा चाहिए तो आपको पास ही में जो बीच है दीघा, न्यू दीघा, तो वहाँ पर जो है बीच का मज़ा जो है आप ले सकते हो। तो वहाँ पर जाने के लिए आपको जो है बस भी मिल जाएगी, अगर आप प्राइवेट टैक्सी करके जाना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, या आप जा सकते हो ट्रेन जो कि काफ़ी सस्ता है। हमने भी जो है यहाँ पे ट्रेन प्रीफर जो है यहाँ पे किया है, तो आप हावड़ा से या सांतरागाछी से ट्रेन कर सकते हो। टाइम टेबल अगर आपको चेक करना है तो आप गूगल मैप में भी जो है सर्च करके चेक कर सकते हो या गूगल में। बाकी जो हमारा जो टाइम टेबल है यहाँ पे ट्रेन का सुबह 7:30 बजे, और यहाँ पे जो है आपको ट्रेन की टिकट की अगर मैं बात करूँ तो आपको एसी चेयर की जो टिकट प्राइस है 370 रुपये कुछ इस तरह से, और आपको एसी मिलेगी जो कि ठंडी में हालांकि ज़रूरत यहाँ पे नहीं है एसी में जाने की, तो आप सेकंड सीटिंग का जो है यहाँ पे मज़ा ले सकते हो। सेकंड सीटिंग की जो टिकट प्राइस है 107 रुपये, मतलब आने जाने का आपको 214 रुपये आपको एक व्यक्ति का जो है यहाँ पे दीघा जाने के लिए जो आपको खर्चा होने वाला है। घर से आप आओगे स्टेशन, स्टेशन से आपको दीघा पे यहाँ पे आना है। तो ये रहा यहाँ पे दीघा का स्टेशन, काफ़ी बड़ा स्टेशन है दीघा का, और यहाँ पे जो है जो स्टेशन जो ट्रेन की जो पटरी है वो यहाँ पे ख़त्म होती है, मतलब ज़्यादा ट्रेन इसके आगे जो है यहाँ पे नहीं जाती, जो भी ट्रेन आती है यहाँ पे लास्ट स्टॉप ही से यहाँ पे जो है रुक जाती है। ओके, तो टाइम टेबल आप चेक करके ही आना, गूगल मैप में आपको जो है अभी फ़िलहाल अवेलेबल आपको मिल जाता है कहीं भी आपको जाना होता है। तो ट्रेन काफ़ी अच्छा रहता है सफ़र करने के लिए, बस में हालाँकि मैं ज़्यादा सफ़र नहीं करता हूँ, आपने देखा होगा काफ़ी कम ट्रैवल होता है, टाइमिंग काफ़ी कम होता है, तो करता हूँ। बाकी ट्रेन में काफ़ी बेस्ट रहता है, वॉशरूम वगैरह रहता है तो वो काफ़ी दिक्कत नहीं होती। ओके, तो यहाँ पे हम दीघा स्टेशन जो यहाँ पे पहुँच चुके हैं, दीघा स्टेशन से हम जाएंगे न्यू दीघा में, और न्यू दीघा में वहाँ पे ही जो है आपको होटल लेना है, पहले से बुक करना चाहो तो बुक कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आजू बाजू में आपको बहुत सारे होटल मिल जाएंगे, और स्टेशन से अगर आप मतलब न्यू दीघा जाओगे तो आपको किराया काफ़ी कम मिलेगा, अगर टोटो या कोई भी रिक्शा वगैरह करते हो तो पर पैसेंजर के हिसाब से 10 रुपये आपको जो है पड़ेगा, मतलब आप फिर रिटर्न आओगे तो भी आपको 10 रुपये मतलब 20 रुपये में आपका काम हो जाएगा, काफ़ी सस्ता है वहाँ पे। आपको टोटो वगैरह रिक्शा, आपको मारुति वैन भी आपको मिल जाता है इको, तो वो भी आपको पर हेड के हिसाब से 10 रुपये ही आपको पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हो हम आ चुके हैं, यहाँ पे एक छोटा सा मार्केट है, तो मार्केट के पास जो है यहाँ पे थोड़ा सा मैंने वीडियो शूट लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ भी खरीदारी वगैरह करनी है न्यू दीघा के अंदर तो यहाँ से आप जो है कर सकते हो, बाकी रेस्टोरेंट वगैरह भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपको हर चीज़ जो है यहाँ पे मिल जाएगी, और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे जाना रेस्ट हाउस और रेस्टोरेंट जो है, ये रेस्टोरेंट में हमने खाना खाया काफ़ी टेस्टी है, हालांकि मैंने सूट नहीं लिया था, बाकी खाना काफ़ी टेस्टी था, अगर आप खाना चाहो तो नॉनवेज वगैरह वेज सब कुछ जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ओके, तो यहाँ पे होटल की वीडियो में आपको बता रहा हूँ क्योंकि आजू बाजू में काफ़ी होटल आपको मिल जाएंगे, तो काफ़ी मतलब एकदम कम प्राइस रेंज में आपको मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हो होटल रूपसी बंगला यहाँ पे आया हुआ है, यहाँ पे मोनिहार होटल है, तो मुनिहार होटल में भी आप रुक सकते हो, यहाँ पे रोजाना होटल है। उसके बाद जो हमारा होटल है जो अमार दीघा करके होटल है वहाँ पे हम लोग रुके थे, तो आजू बाजू में जो होटल की प्राइस जो रहने वाली है, मतलब अगर आप 2 जन हो या 3 जन हो तो आपको काफ़ी कम सस्ते में मिलेगा, मतलब 1000 रुपये में आपको काफ़ी अच्छा होटल जो है आपको मिल जाएगा। हमने 4 बेड का जो यहाँ पर रूम लिया है जो कि हमको पड़ा है 1800 रुपये पर नाइट के हिसाब से, क्योंकि हम जो है टोटल 6 जन जो है हम है, तो इस वजह से जो है यहाँ पे थोड़ा सा मतलब महंगा पड़ा है, 5-6 जन अगर होता है तो आपको बड़ा रूम लेना होगा तो उसके लिए प्राइस थोड़ा आपको बढ़ जाता है। बाकी आप 2-3 जन अगर आप जाते हो तो आपको एक रूम के अंदर जो है आपको एक बेड मिल जाएगा, किंग साइज का बेड, जो कि आपको 1000 रुपये में आपको जो है कोई भी होटल मिल जाएगा, मतलब आप समझ लो कि एक व्यक्ति का एक नाइट का पड़ता है 500 रुपये, मतलब 2 नाइट आप अगर आपको रुकना है तो आपको 1000 रुपये में जो है आपका काम हो जाएगा। तो ये जो ट्रिप है ये सिर्फ 3000 रुपये में आप जो है दीघा घूम सकते हो, वो भी 2 दिन का ट्रिप, जो कि आपका ट्रेन का जो टिकट है वो भी आ जाता है, होटल का, आपको खाने का जो है मतलब मान लो कि अगर आप एक दिन में अगर 500 रुपये भी अगर आप खाते हो 6 दिन में मतलब 2 टाइम, तो आपको 1000 रुपये में आपको 2 दिन का जो है आराम से हो जाएगा, और साथ में मिलके खाओगे तो आपको बचत काफ़ी ज़्यादा होगी। अगर आप सिंगल जाओगे तो आपको थोड़ा सा खर्चा जो है यहाँ पे बढ़ जाता है। तो हमेशा मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप 2 जन या 3 जन या ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप जाओगे तो आपको काफ़ी सस्ते में कहीं भी घूमना हो तो आपको जो है सस्ता पड़ेगा।
तो यहाँ पे देख सकते हो हम आ चुके हैं यहाँ पे न्यू दीघा में। तो हालांकि पहले जो दीघा था वहाँ पे इतने पत्थर वगैरह जो है यहाँ पे देखने को नहीं मिले, पूरे के पूरे रेती था। बाकी जो अभी तूफान आया था अभी कुछ महीने पहले, इस वजह से जो है यहाँ पे पत्थर, बड़े बड़े पत्थर जो है यहाँ पे रख दिए गए हैं ताकि जो ढेव आए तो वो पत्थर को टकराए, एकदम ऊपर जो है उसका पानी ना आए। यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी यहाँ पे जो मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी ठंडी में जो है यहाँ पे दीघा में लोग घूमने आएंगे, लेकिन एक्सपेक्टेशन काफ़ी अच्छी निकली और काफ़ी पब्लिक जो है मुझे देखने को मिली दीघा के अंदर। फिलहाल ये लॉकडाउन के बाद का जो है यहाँ पे कह सकते हो कि आप, ये मेरा एक ट्रिप है मेरे गांव का, ये वेस्ट बंगाल में मेरा गांव आया हुआ है। तो वहाँ पे जो है हमारे गांव से जो है काफ़ी पास में है। तो अगर आप वेस्ट बंगाल आए हो या कोलकाता के आजू बाजू किसी भी जगह में आप रहते हो तो आप जो है दीघा का विज़िट आप ज़रूर करना, काफ़ी अच्छा है। काफ़ी बीच भी काफ़ी अच्छा है और सबसे अच्छी बात है आपको काफ़ी कम प्राइस के अंदर, मतलब सिर्फ 3,000 रुपये तक का जो आपको खर्चा हो सकता है एक व्यक्ति का, तो 3,000 रुपये में आप जो है एक नया जगह जो है यहाँ पे घूम सकते हो। ओके, तो यहाँ पे राइडिंग वगैरह भी आपको जो है मिल जाता है। अगर आपको कोई भी सी राइड अगर आपको करना है तो वो राइड भी आप कर सकते हो, बोट वगैरह में भी जो है आप बैठ सकते हो। और सबसे पास में अगर आपको एक होटल बुक करना है तो ये बीच व्यू करके जो होटल है एकदम पास में है। जो हमने भी जो आमार दीघा होटल आपको बताया वो भी काफ़ी पास में ही है। और उसके बाद यहाँ पे न्यू दीघा से पास ही में आप चलते पैदल मतलब जा सकते हो। यहाँ पे अर्बन थी, यहाँ पे एक पार्क है तो यहाँ पे ये पार्क के अंदर भी आप जा सकते हो। तो पार्क की जो टिकट है 10 रुपये टिकट है। यहाँ पे आपको रोप वे जो केबल कार आता है उसकी राइड अगर आपको लेनी है तो वो राइड भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। हालांकि हमने भी राइड ली है, आगे आपको वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएगी। तो छोटा सा पार्क है, अगर आप पार्क में घूमने की शौकीन हो, मुझे तो पार्क काफ़ी अच्छा लगता है। आप कमेंट करके बताइए आपको हरियाली मतलब पसंद है कि नहीं, आप नीचे कमेंट में मुझे जो है बता सकते हो। और आपके आसपास में कौन सा गार्डन है, कौन सा पार्क है, वो भी आप नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। यहाँ पे देख सकते हो ये केबल कार की जगह हम जा रहे हैं, यहाँ पे टिकट काउंटर है। तो टिकट प्राइस है फिलहाल अभी यहाँ पे 58 रुपीज़ का जो कि यहाँ पे एडल्ट का है, यहाँ पे देख सकते हो, सॉरी 59, और 3 साल से 12 साल के बच्चे के लिए 35 रुपीज़ जो है यहाँ पे पर हेड के हिसाब से जो है आपको प्राइस देना होगा। तो यहाँ पे हम चले हैं यहाँ पे केबल कार की सवारी करने, तो चलिए चलते हैं। ओके, तो ये रहा केबल कार, हम जो है यहाँ पे बैठ चुके हैं। तो आप ये गार्डन में अगर आप आते हो तो केबल कार अगर आप नहीं बैठा है तो ये सवारी आप जरूर करना, काफ़ी अच्छा रहेगा। और ये पूरा गार्डन भी जो है आप ऊपर से व्यू में से जो है यहाँ पे घूम सकते हो, मतलब पूरा का पूरा गार्डन जो है आपको टॉप साइड से जो है आपको देखने को मिलेगा, जो कि एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस जो है यहाँ पे रहने वाला है। अगर आप मतलब दीघा जाते हो तो पास में अगर कोई भी जगह अगर आपको घूमना है तो यहाँ पे अरबर्ती जो पार्क है तो काफ़ी पास में ही है, आप पैदल जा सकते हो। तो ये पार्क में भी जो है आप मज़ा ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बोटिंग वगैरह भी है। बोट वगैरह अगर आपको करना है, बोटिंग करना है, तो वो भी आप कर सकते हो। हालांकि अगर आप बीच में आए हो, दीघा बीच साइड में, तो वहाँ पे भी आपको जो है तरह तरह के राइड मिल जाएंगे, लेकिन प्राइस काफ़ी हाई है, काफ़ी ज़्यादा है अगर आप राइडिंग वगैरह करते हो तो। और मैं रिकमेंड करूँगा अगर आपको तैरते आता है तो ही आप वो राइडिंग करें, नहीं तो बाई चांस कुछ भी हो सकता है। ओके, तो ये गार्डन के अंदर पास ही में यहाँ पे झूले वगैरह भी है, तो झूले वगैरह का भी यहाँ पे आनंद जो है आप ले सकते हो। ओके, मतलब छोटे से मतलब यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम रिटर्न जा रहे हैं, जो मैंने आपको बताया जो पार्क है वहाँ से जो यहाँ पे रिटर्न है। इसके बाद यहाँ पे हम आए हैं ढेव सागर। ये शाम के टाइम पे काफ़ी अच्छा रहता है, पर हेड के हिसाब से आपको 10 रुपये आपको टिकट मिलेगी। तो 10 रुपये में आपको जो है यहाँ पे ढेव सागर मिल जाएगा, और होटल से ढेव सागर थोड़ी सी दूर पे है, वही आपको टोटो में 50 रुपये में आप जो है चार व्यक्ति मतलब आराम से 4 से 5 व्यक्ति जो है आपको बिठा लेगा, सिर्फ 50 रुपये जो आपको लगेगा। तो काफ़ी आजू बाजू में घूमना काफ़ी सस्ता है, काफ़ी महंगा यहाँ पे मैं नहीं कहूँगा बिल्कुल भी। और ये रहे ढेव सागर, जो कि रात में काफ़ी अच्छा लगता है, तो रात के टाइम पे भी आप जा सकते हो। और सुबह अगर आपको मॉर्निंग वॉक के लिए अगर आपको निकलना है तो भी आप ढेव सागर में आ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो गार्डन है वो काफ़ी अच्छा लगता है दिन के टाइम पे भी। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हो तरह तरह के यहाँ पे झूले वगैरह भी आपको मिल जाएंगे, अंदर प्लेग्राउंड वगैरह है बच्चे के लिए खेलने के लिए, झूले वगैरह बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। और ये धीरे धीरे जो मतलब डेवलप हो रहा है, जो तूफान आया था दीघा के अंदर उसके बाद से काफ़ी तेज़ी से जो है यहाँ पे दीघा जो ढेव सागर है या दीघा पूरा एरिया है, तो डेवलप धीरे धीरे जो है यहाँ पे हो रहा है।
यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कार देख सकते हो काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे पैदल आप कर सकते हो, ये भी काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे राइड ले सकते हो, छोटे बच्चे अगर आपके साथ है तो आप ये राइड भी आप करा सकते हो। और आपने एक नोटिस तो आपने ज़रूर किया होगा, अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो तो काफ़ी दिनों बाद जो है मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो मतलब घर है, जो होम टाउन जो कि कलकत्ता है, लेकिन मैं रहता हूँ अहमदाबाद में, गुजरात के अंदर जो आया हुआ है, तो वहाँ पे मेरा घर बन रहा था, तो इस वजह से लगभग 6 से 7 महीने हो गए मैंने वीडियो डाले नहीं है। मैंने एक थोड़े दिन पहले मतलब एक वीडियो डाला था, तो वो वीडियो मैंने शूट किया था, उसके बाद से मतलब काफ़ी दिन हो गए मैंने वीडियो शूट नहीं किया। तो अब ये वीडियो के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्यार देना, ताकि आगे मैं और भी मतलब वीडियो बना सकूँ आपके लिए। ओके, यहाँ पे देख सकते हो ये गार्डन है, तो दिन में भी आप आओगे तो भी आपको यहाँ पे अच्छा रहेगा, बाकी नाइट में तो आप यहाँ पे व्यू देख सकते हो, नाइट का व्यू भी काफ़ी मार्वेलस है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे फ़ोटो शूटिंग वगैरह अगर आपको करनी है तो दिन के अंदर काफ़ी अच्छा जो है फ़ोटो जो है यहाँ पे शूट कर सकते हो, वीडियो वगैरह अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो। हालांकि हम दिन के टाइम पे यहाँ पे नहीं आए थे, रात को आए थे, और हमारा ट्रिप काफ़ी लिमिटेड था। तब भी आप जो है 2 दिन अगर आप रुकते हो दीघा के अंदर तो इनफ है, 2 दिन में आप जो है सब कुछ जो है यहाँ पे घूम लोगे। यहाँ पे देख सकते हो, ये भी यहाँ पे पानी डालना बाकी है, हालांकि क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया ये डेवलप जो है हो रहा है काफ़ी तेज़ी से, दीघा जो है डेवलप हो रहा है, क्योंकि 1.5-2 साल पहले इतनी होटल नहीं थी जो कि अभी जो होटल मुझे देखने को मिली है। यहाँ पे देख सकते हो तरह तरह के यहाँ पे छोटे बच्चे के लिए जो है यहाँ पे चीज़ें जो है आपको मिल जाएंगे, यहाँ पे स्लाइड वगैरह अगर आपको लेना है, झूले में बैठना है तो ले सकते हो। तो ढेव सागर से अगर आपको पैदल न्यू दीघा में जाना है तो न्यू दीघा का भी रास्ता वहीं से ही आता है, तो वहाँ से पैदल जो है हम जा रहे हैं, देख सकते हो यहाँ पे पैदल जो है आ चुके हैं न्यू दीघा के अंदर। तो यहाँ पे भी तरह तरह के मार्केट है और जो कि चीज़ें मिलती है आपको, हालांकि मैंने दुकानें जो देखी है जितने भी मतलब शॉप है, ज़्यादातर चीज़ें आपको जो है एक ही टाइप की आपको मिलेगी, कोई नई चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलती, जो कि आपके गांव से अगर आप कहीं भी गांव से अगर बिलोंग करते हो या सिटी से तो वहाँ पे आपको ये सब चीज़ें नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, न्यू दीघा के अंदर आपको ज़्यादातर शॉप के अंदर आपको सेम ही चीज़ें जो है आपको देखने को मिलेगी, वही आपको खिलौने मिलेंगे जो कि सेम है, जो उडेन जो आर्ट्स वाले जो चीज़ें आपको मिलती है वो भी आपको सेम ही आपको सभी दुकानों के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे कीरिंग की दुकान भी बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। वैसे ज़्यादातर जो है आपको ज़्यादा यहाँ पे दुकानें शॉपिंग अगर आपको करना है तो 2-3-4 दुकान में आप शॉप कर सकते हो, और सभी दुकान में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको सेम टाइप की चीज़ें आपको जो है सभी दुकानों में मिलेगी, और प्राइस आप बार्गेनिंग कर सकते हो किसी भी दुकान से, कोई दिक्कत नहीं है, बार्गेनिंग आप कर सकते हो, और काफ़ी कम प्राइस में जो है आपको मिल जाता है, कोई भी ज़्यादा भाव यहाँ पे नहीं लेते। मैंने जो खुद मैंने चेक किया, हर जगह मैंने जो है प्राइस चेक किया, तो मुझे देखा मैंने कि प्राइस इतना ज़्यादा यहाँ पे नहीं है, तो हर चीज़ जो है आपको सस्ते में काफ़ी कम प्राइस में आपको मिल जाता है। और यहाँ पे देख सकते हो तो एक सोडा का मशीन है यहाँ पे जो लगा हुआ है, हालांकि पूरे न्यू दीघा में एक भी सोडा का मशीन नहीं है, सिर्फ इसके अलावा एक ही यहाँ पे सोडा शॉप है, तो आप सोडा जो है यहाँ पे आप पी सकते हो, नींबू पानी वगैरह आपको पीना है तो मसाला पी सकते हो। और यहाँ पे मैंने देखा, मैंने सोचा था कि भाई सी फूड वगैरह बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, लेकिन मैंने ज़्यादा वहाँ पे देखने को मुझे नहीं मिला, तो ये एक दुकान जो मुझे मिली ही है यहाँ पे, अलग अलग जो है आपको मच्छी वगैरह जो है यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, जो कि आप यहाँ से दीघा से अगर आप अपने गाँव यहाँ से ले जाना चाहते हो तो आप यहाँ से ले जा सकते हो। ओके, प्राइस भी आपको सेम ही मिलती है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आप कहीं से भी हो तो आप प्राइस आप चेक करके देख लेना, तो आपको ज़्यादा डिफरेंस जो है यहाँ पे प्राइस के अंदर देखने को नहीं मिलती। यहाँ पे आप देख सकते हो होटल का नाइट व्यू भी काफ़ी अच्छा है, और ये सब जो होटल है ये सब नए बने हैं, मतलब ये झूने नहीं है, सब एकदम नए हैं। तो उसके बाद वाले जो दिन है, जो सुबह का समय है, तो सुबह के समय पर हम जो गए थे तालसारी, तो अगर आपको मतलब जो सेट जो होता है सनराइज़ का अगर आपको आनंद लेना है तो आपको और भी सुबह आपको जाना पड़ेगा, लगभग 4:30 बजे के आसपास, लेकिन हम पूरे मतलब फैमिली सब साथ में थे, तो इस वजह से हम ये जो मिस कर दिया, हमने काफ़ी लेट हो गए, तो ये लगभग 6 से 7 बजे का समय है, तो वहाँ पे हम तालसारी पहुँचे हैं। तो टोटो में जो है प्राइस हमको पड़ा है 250 रुपये, तो अगर आप जाना चाहो तो 250 रुपये में आप जो है तालसारी जा सकते हो। यहाँ पे आप एक बार विजिट जरूर करना, फोटो शूट वगैरह अगर आपको करना है, वीडियो शूट करना है, तो काफ़ी अच्छा जगह है, तो यहाँ पे आप एक बार ज़रूर विज़िट करना।
बाकी उदयपुर भी आया हुआ है दीघा में, छोटा सा उदयपुर है वहाँ पे भी आपको बीच मिल जाता है। नाम उदयपुर है, एग्जैक्ट उदयपुर जैसा बना हुआ नहीं है लेकिन नाम वहाँ का पे उदयपुर है, वहाँ पे आपको बीच मिल जाएगा जो कि काफ़ी अच्छा बीच है, तो वहाँ पे भी आप जा सकते हो, पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन टोटो वाले जो है आपको कहीं भी कोई भी जगह आप जाओगे गोपल दिया अगर थोड़ा सा मतलब 4 या 5, 7-8 किलोमीटर या 10 किलोमीटर के आसपास है तो आपको 250 से 350 रुपये आपको जो है चार्ज लगेगा। तब भी जो है यहाँ पे दीघा घूमना सस्ता है, जैसे कि मैंने आपको बताया 214 रुपये में आपको जो है ट्रेन की टिकट आपको पड़ेगी, घर से आते हो वो आपको किराया देना होगा। आप मतलब स्टेशन से अगर न्यू दीघा आते हो होटल में तो आपको 50-50 रुपये 100 रुपये वहाँ पे आपको लगेगा, और होटल का आपको 1000 रुपये 2 दिन का आपको मिलेगा। एक पीपल का मतलब आप अगर 2 जन साथ में रहते हो तो आपको 2000 रुपये में आपको 2 दिन का नाइट जो आपको मिल जाएगा। 3 दिन का भी मतलब 3 दिन अगर आप रुकते हो तो 3000 रुपये होता है, लेकिन आप 3 जन एक ही रूम में अगर आप रहते हो तो भी आपको 3000 रुपये ही आपको देना होगा। तो 3 जन अगर आप घूमते हो तो आपको काफ़ी कम किराया जो है यहाँ पे लग सकता है। और खाने का भी मैंने आपको बताया 1 दिन का 500 रुपये इनफ है वहाँ पे, क्योंकि काफ़ी महंगी वहाँ पे फूड वगैरह नहीं है, काफ़ी सस्ते में आपको जो है सब कुछ वहाँ पे मिल जाएगा। तो आप काफ़ी सस्ते में मतलब दीघा घूम सकते हो, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हो तालसारी से हम जा रहे हैं तो ढेव सागर में यहाँ पे रास्ते में ही पड़ता है जो कि काफ़ी पास है तालसारी से, तालसारी थोड़ा सा दूर जो है यहाँ पे पड़ता है। अब जो है हम जा रहे हैं यहाँ पे न्यू दीघा से ओल्ड दीघा। तो ओल्ड दीघा पहले, हालांकि ओल्ड दीघा में लोग जाते थे, न्यू दीघा अवेलेबल नहीं था, तो न्यू दीघा में अभी जो है डेवलप हुआ है, बाकी ओल्ड दीघा भी आपको बता देता हूँ। तो ये रहा ओल्ड दीघा, तो ये भी काफ़ी अच्छा जगह हुआ करता था लेकिन अभी जो तूफान की वजह से काफ़ी जगह जो है यहाँ पे बदल गई, लेकिन यहाँ पे भी डेवलप जो है काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। तो यहाँ पे भी आप एक बार ज़रूर विज़िट करना, पास में ही है आपको 50-60 रुपये में आप जो है न्यू दीघा से ओल्ड दीघा जो है यहाँ पे जा सकते हो। तब भी आप जो है प्राइस अगर आप प्लस करके देखो तो काफ़ी कम प्राइस में हो जाता है, ज़्यादा जो है यहाँ पे प्राइस आपको नहीं लगता, 3000 रुपये में इनफ है एक जन के लिए दीघा अगर आपको घूमना है तो। जैसे कि आपको बताऊँ ट्रेन का 214 रुपये, आप स्टेशन से दीघा जाओगे 100 रुपये, होटल का 1000 रुपये, 250 रुपये आपको तलसारी जाने का आने का दोनों साथ में हो, तलसारी का आपको अलग नहीं है, सिर्फ आपको ड्रॉप कर दे वैसा नहीं है, आने जाने का आपको 250 रुपये लगेगा। गार्डन का किराया 50 रुपये, ढेव सागर का आपको 10 रुपये, वहाँ जाने के लिए आपको 50 रुपये आपको जो है टोटो को देना होगा, केबल कार अगर आपको बैठना है तो 50 रुपये, और मील का 1000 रुपये, तभी टोटल आप करोगे तो 3000 के अंदर जो है यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे भी जो है डेवलपिंग जो है यहाँ पे चालू है, छोटा सा यहाँ पे सर्कल बना हुआ है, गार्डन जैसा यहाँ पे सीटिंग वगैरह कर सकते हो, यहाँ पे एक होटल भी है, होटल में खाना खाना चाहो तो खा सकते हो, और नॉनवेज अगर आपको चाहिए बेक आइटम, बारबेक आइटम जिसे कहते हैं, तो उस टाइप के आइटम भी जो है यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और यहाँ से अगर आपको बैग या कोई भी टॉय वगैरह खरीदना है, झूला वगैरह खरीदना है, तो सब कुछ जो है आपको काफ़ी सस्ते प्राइस में जो आपको मिल जाएंगे, बार्गेनिंग प्राइस के अंदर जो है आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप ख़रीदारी शॉपिंग वगैरह जो है आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब आप कर लेना करके, और बेल आइकन को भी इनेबल कर देना। मैंने और भी वीडियो बनाई है, अगर आप मतलब फॉरेन ट्रिप करना चाहते हो जैसे कि दुबई, सिंगापुर, मलेशिया, तो ये सब जगह में भी अगर आप मतलब ट्रिप करना चाहते हो और काफ़ी सस्ते में, तो सब कुछ मैंने डिटेल्स में बताया है कि आप कैसे जाओगे, वीज़ा क्या लगेगा, कितना होटल का भाड़ा कितना लगेगा, सब कुछ डिटेल्स में आपको वीडियो आपको मेरे चैनल के अंदर मिल जाएगी। अब डायरेक्टली यूट्यूब के अंदर अकरम मलिक सर्च करोगे तो भी आपको जो है मेरा चैनल आपको मिल जाएगा। तो हम जो है हमारा ट्रिप यहाँ पे ही ख़त्म होता है, हम आ चुके हैं यहाँ पे दीघा स्टेशन में दूसरे दिन, और सुबह का समय है, सुबह का 10:30 बजे की ट्रेन है। बस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा ये चैनल। थैंक यू वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड।